न्यूकमर या न्यू आर्टिस्ट मेरे से छोटे आर्टिस्ट को प्यार करती होंगी तो वो सिर्फ मीका सिंह ही है एंड आप उनको पूछ भी सकें। सो गुरु पूर्णिमा में उन्होंने मुझे ऑन ट्विटर उन्होंने लता जी और आशा जी ने दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता कि मैं इस गुरु पूर्णिमा जो गई है मेरी बहुत अच्छी गई है और इतने सालों से पहले मुझे उनसे आशीर्वाद मिला। इसी के जुड़ाव में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ देर पहले आपने ये ना कहा कि इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे छोटे भाई हैं, आपने यूयू हनी सिंह का भी नाम लिया, लेकिन आशा जी तो कहती हैं कि वो उन्हें जानती नहीं और ना जानना चाहती हैं। सर मैं इसके बारे में बात नहीं करूँ, मैं सबसे पहले तो चंपक जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और चंपक जी शुरू से ही बहुत हिट मास्टर रहे हैं। अगर आप इनकी मूवी राजा हिंदुस्तानी से लेके खिलाड़ी बाजीगर एक और बता दो मैं अपना अपना आर्टिस्ट था ना सिंगर जो अपना आर्टिस्ट था तुम तो रहते परदेश अल्ताफ राजा मैंने राजा बोलते उसको अल्ताफ राजा जो कि बहुत आई थिंक 65 लाख उनकी एल्बम बिकी थी 96 में और तब से लेके ये हमेशा बादशाह रहे हैं और अभी दिलबाग को इन्होंने लॉन्च करा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा फिर वापस शुरुआत हो, जो न्यू कमर्स हैं अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उनको एक अच्छा यू नो एक अच्छा मंच एक अच्छा स्टेज मिले। कितने गाने रहने वाले हैं ये चंपू जी भी आएंगे ना इधर आएंगे जी ओके। और सर आप सिंगल में हैं या रैपिंग में इंक्लूडेड क्या है? इस एल्बम मेरे चार गाने हैं और कुछ चंपक जी ने और भी गाने इसमें डाले हैं जो पुराने हैं उनके पास जो अभी बहुत हिट गाने थे उनके वो भी इसमें डाले हैं। तो चार गाने जो मेरे हैं उसमें सभी में म्यूजिक अलग अलग लोगों ने दिया है, तो जो दो गानों में म्यूजिक दिया वो बिलन गाबा ने दिया है, गाने गाए सारे मैंने और लिखे भी मैंने खुद हुए और रैप में दो गानों में मैंने खुद रैप किया है, बाकी मैं रैप किसी और ने किया हुआ तो मिक्स ही टेप है। मेरा एक पुराना गाना था बहुत हिट उटीना वो भी इस एल्बम में रीमिक्स करके मैंने भेजा है और साथ में दो गाने नए डाले हैं इसमें, तो बहुत अच्छी एल्बम है, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। विक्टोरिया सीक्रेट ऐसी कोई बात नहीं, विक्टोरिया सीक्रेट ही क्यों नहीं, क्योंकि मतलब जब ये एल्बम मेरे पास आया तो उसमें मुझे एक तो आजकल के लोगों को जो गाने पसंद है तो उसमें था और मुझे की वॉइस पसंद आई, कंपोजिशन पसंद आई, गाने पसंद आए और उन्होंने शूट किया है उसके साथ तो वो भी बहुत पसंद आया तो इसके लिए मैंने उसकी मदद की। मिका जी हाँ जी सर आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि इंडस्ट्री में नए नए टैलेंट्स हाँ आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या है कि नए टैलेंट उभर के नहीं आ रहे? नहीं उभर के आ रहे हैं, अगर आप पीछे सबसे बड़ा टैलेंटेड मैं खुद देखूँ आपके सामने, मैं कोई इंडस्ट्री से नहीं हूँ या मैं कोई पुराना नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बाहर से आया हूँ और मुझे बहुत बॉलीवुड ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी है। सो जो टैलेंटेड है, जो भी लड़का अरिजीत सिंह आ रहा है, हनी सिंह आया है, बेनी दियाल आया है, बहुत सारे नए लड़के हैं अभी, ये तिवारी अंकित तिवारी आया, तो जो भी टैलेंटेड है उसको लोग प्यार करते हैं, बॉलीवुड उसको सलूट करता है, पर सस्टेन करना मुश्किल है। तो मुझे अभी 16 साल हो गए गाने गाते हुए और भगवान के पास मैं टिका हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है कि न्यू कमर्स को चांस नहीं मिलता, बस अगर न्यू कमर अपना दिमाग ना ख़राब करे, अपनी जो उसका स्टेटस है या उसकी शुरुआत है अपने रूट्स को ना भूले तो हमेशा आदमी टिका रहे। जी लोगों को बड़ा पसंद है जब गाने रिलीज होते हैं, हाँ गाने रिलीज होते हैं लोगों को बड़ा पसंद है पार्टी सॉन्ग हो जाता है, हाँ जैसे सभी उसको पार्टी करना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं क्या होता है आजकल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आजकल गाना अच्छा होना चाहिए, ठीक है अभी एक विलन के गाने उसमें कोई भी पार्टी सॉन्ग नहीं, यू कांट से कि सिर्फ पार्टी सॉन्ग चलते हैं, पार्टी सॉन्ग का बादशाह एक ही है मीका सिंह। अभी जुम्मे की रात मेरा लेटेस्ट सॉन्ग है क्योंकि 30th को जब मैं मेरे जितने मुसलमान भाई हैं सबको रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जैसे ही ईद आएगी तो ईद पे ये गाना और बड़े लेवल पे होगा। सो डांसिंग नंबर जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे स्लो सॉन्ग्स भी चलते हैं, वहाँ पे लोग लव सॉन्ग भी सुनते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, बस गाना अच्छा होना चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को जो गाने पसंद आते हैं कभी कभार वो म्यूजिक मास्टर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते? जैसे कैसे आशा भोसले जी होते हैं जी जी हनी सिंह के गाने उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते, उन्होंने कहा आप ये बहुत नहीं, आजकल जो भी गाना है वो चलता है, चाहे वो रैप सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, लव सॉन्ग हो, सभी गाने चलते हैं। थैंक यू सर।
खूबसूरत है, शूट बहुत अच्छा हुआ है, उसके अंदर सारे जितने आर्टिस्ट हैं सब लोगों ने अच्छा किया। आज की जनरेशन इस गाने को जरूर सपोर्ट करेगी, अच्छा लगेगा उनको जो आज यहाँ जिस तरह से लोगों को पसंद है ये गाने, तो मुझे लगता है कि ये गाना जरूर चलेगा। और मेरे वीनस कंपनी की तरफ से मेरी सारी विशेष दिलबाग सर के साथ सर, अपने लांबा सर और संजय जी के साथ हैं, और मैं अभी माइक विकास सर को देता हूँ। सबका मैं वेलकम करता हूँ जी, बिहाफ ऑफ मिस्टर पंकज जैन, चंपक जैन, इतनी छः भाई हैं, सिर्फ नाम बहुत बिल्कुल, और मेरे भाई हैं यहाँ पे लवि जी, पिट्टू पाजी, लांबा साहब, और ये मेरा छोटा भाई है दिलबाग सिंह, जिसके लिए मैं इतना बोलूँगा कि वे इतने 8 साल मेरे साथ काम किया पहले मेरे बैंड में एज ए लीड सिंगर, और आज इसका खुद का एल्बम है और दिल्ली में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे शोज करता है। मैडम, जैसे आजकल सिंगर ज़्यादातर सीडी पे गाते हैं, पर दिलबाग जब परफॉर्म करता है तो पूरा लाइव परफॉर्म करता है, बिकॉज ये सारे अच्छी चीज़ें इसने मेरे से सीखी हैं, और कुछ बुरी चीज़ें मैं इसको सिखाना चाहता हूँ, सीखता नहीं है। सो बहुत अच्छा गाना है, मिलिंद गाबा ने इसका म्यूजिक करा है, इज ए वेरी फैंटास्टिक गाय, वेरी गुड कंपोजर, वेरी टैलेंटेड गाय, और इन्होंने ये गाना गाया है पतला झलक, और वीडियो जैसे मेरी भी शुरुआत हुई थी 98 में, तो मेरा साउंड में लग गया फर्स्ट वीडियो था, उसके बाद मेरा गबरू एक वीडियो बहुत सुपरहिट गया, एक वीडियो था बोलियां, जो कि वो भी लवल और बिट्टू पाजी ने वो वीडियो बनाया था। तो आज जब ये दिलबाग को देखते हैं तो यही बोलते कि यार तेरा डुप्लीकेट ना पूरा वैसे ही करता हूँ वीडियो में, तो तभी भी बहुत अच्छे वीडियोज बनते, और आज बहुत टाइम बाद इन्होंने दिलबाग मेरे छोटे भाई का वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो है, और जो आजकल की जनरेशन को चाहिए उस हिसाब से ये वीडियो बना हुआ है, और मेरी बेस्ट विशेज है दिलबाग को, एक तो मेरा भाई है, ऊपर से टैलेंटेड बहुत है,